डिस्प्ले क्वालिटी क्लैरिटी आप देख सकते हो किसकी बेटर है, आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना वैसे फिलहाल। और बेजल्स आप देख सकते हो नीचे की थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे मिलती हैं इस वाले में, इसमें कम मिलती हैं। तो गाइस आपको पता चल गया होगा कौन सी टॉप नॉच की वॉच है जिसके साथ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। बोट की वेव कनेक्ट है मेरे पास और दूसरी तरफ है फायरबोल्ट की वंडर। और बोट की वेव कनेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा लोग मतलब लेना चाह रहे थे इस वॉच को। मैंने इसको 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में बाय किया था। इसको पर्टिकुलरली मैं यूज़ कर रहा हूँ, अच्छी वॉच है वैसे तो ओवरऑल, और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट इसका जो ओवरऑल बिल्ड है वो मिलता है आपको, और साथ में बिल्ड क्वालिटी भी टॉप नॉच मिलती है आपको। ऑन द अदर हैंड अगर मैं वेव यहाँ पे वंडर की बात करूँ फायरबोल्ट की, ये भी अच्छी है यहाँ पे, इसका भी कॉम्पैक्ट साइज़ मिलता है और बेजल्स यहाँ पे सिमेट्रिकल हैं इसके मुकाबले, इसमें आपको बेजल ज़्यादा मिलती है नीचे की साइड, बट ओवरऑल यहाँ पे इस तरीके से लुक मिल जाता है। और अभी जो इसका प्राइस है वो आपका 4000 रुपये चल रहा है और इसका जो प्राइस है वो आपका 2500 रुपये चल रहा है, तो डिफरेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है 1500 रुपये का। बट यहाँ पे ये डिफरेंस वर्थ है कि नहीं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे इस तरीके का लुक मिलता है, बोट की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे आपको फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मिलती है इधर की साइड, और डिस्प्ले साइज़ यहाँ पे 1.69 इंच का, यहाँ पे 1.8 इंच की डिस्प्ले मिलती है, राइट। अब यहाँ पे हम और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे वॉच फेस यहाँ पे इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे भी आपको 10-11 वॉच फेस मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको 10-11 वॉच फेस मिल जाते हैं इस तरीके से, राइट। अपनी पिक को भी एज अ वॉच फेस लगा सकते हो, यहाँ पे भी अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो। ओके, मैंने आई गेस वो अपनी पिक इसमें से ही रही, इस तरीके से मिल जाता है। ब्राइटनेस लेवल देख सकते हो और अब मैं ओपन कर लेता हूँ वॉचेस को ताकि आपको फिजिकल ओवरव्यू दे सकूँ प्रॉपरली वॉच का, रेदर देन हाथ में पहन के प्रॉपरली नहीं दिया सकता। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म है स्ट्रैप्स का, 22mm है वैसे और डिफरेंट मैकेनिज्म है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसमें आपको 22mm मिलता है बट आफ्टर मार्केट का मिल जाएगा, इसमें आपको थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करना पड़ेगा। और क्वालिटी क्लैरिटी आप खुद ही पता लगा लो दोनों में से किसकी बेटर है। वैसे मेरे को पर्टिकुलरली यहाँ पे बोट की वेव कनेक्ट की ज़्यादा बेटर लग रही है डिस्प्ले क्वालिटी, आप मेरे को ज़रूर बताना। वैसे यहाँ पे पीछे की साइड अगर हम देखें डेडिकेटेड सेंसर दोनों मिलते हैं, एक तरफ बोट की ब्रांडिंग है एक तरफ फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है, और यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर दोनों भी देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ रिमूवेबल स्ट्रैप्स मिलते हैं दोनों में ही, चार्जिंग के लिए मैग्नेटिक पिन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आई गेस ये रहा माइक का वेंट और ये स्पीकर का, यहाँ पे ये रहा स्पीकर का और ये रहा माइक का वेंट। उसी के साथ साथ यहाँ पे थिकनेस देख सकते हो दोनों की कितनी है, यहाँ पे बोट की वेव कनेक्ट की स्लाइटली ज़्यादा थिकनेस लग रही है मेरे को इससे फायरबोल्ट की वंडर से, आप मेरे को ज़रूर बताना। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें यह है कि आपको इसमें एलेक्सा बिल्ट इन मिल जाता है, इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट मिलता है, गूगल सिरी को एक्टिवेट कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉपरली एलेक्सा मिलता है आपको, यहाँ पे गूगल सिरी कुछ नहीं चलेगा एलेक्सा ही चलेगा, सपोर्ट करता है डायरेक्टली। यहाँ पे बटन का एक्सेंट इस तरीके से मिल जाता है, यहाँ पे आपको बाहर निकला हुआ बटन है, और 2.5D कर्व ग्लास दोनों में ही यूज़ किया गया है देख सकते हो इधर इस तरीके से। और अब एक एक करके फंक्शंस की बात करते हैं, ऊपर की साइड से स्वाइप करते हो यहाँ पे आपको इसमें तो टॉगल मेन्यू मिलता है, इसमें आपको ये मतलब नोटिफिकेशन एरिया मिल जाता है इस तरीके से, और हल्का सा लैग कर रही देखो बोट की वेव कनेक्ट, यहाँ पे भी थोड़ा सा लैग कर रहा है गाइस, इस तरीके से मिल जाता है देखने के लिए, यहाँ पे भी इसमें भी थोड़ा सा लैग करता है, और यहाँ पे टैप करके होम पे आते हो। और गाइस बात करें यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हो तो यहाँ पे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको इसमें फायरबोल्ट की वंडर में या आपको कुछ रिसेंट मेन्यू मिल जाते हैं, यहाँ पे पूरा शॉर्टकट चलता रहता है, यहाँ पे होम पे आते हो वापस से घूम के। यहाँ पे शॉर्टकट के लिए आपको राइट साइड में स्वाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे सारे के सारे शॉर्टकट्स आते हैं, और उसके बाद ही आप वापस से घूम के इवन कैलकुलेटर भी है और ये होम पे आता है। नीचे की साइड से स्वाइप करते हैं यहाँ पे टॉगल मेन्यू खुलता है, यहाँ पे आपको ये मतलब मैसेज नोटिफिकेशन खुल जाता है। और गाइस यहाँ पे टॉगल मेन्यू देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे D&D मोड दोनों मिल जाता है, रेस टू वेक आपको इसमें मिल जाता है बोट में, और यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन ब्राइटनेस कंट्रोल इसमें मिल जाती है, और ब्राइटनेस यहाँ पे फुल करने पे ज़्यादा आपकी ब्राइटनेस लगती है, मेरे को बोट में ज़्यादा लग रही है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे मैंने बोट में फुल कर दिया, यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे फुल कर देते हैं। अब गाइस बैक करते हैं, यहाँ पे ये आपका ये क्या है, ओके मेन्यू स्टाइल मिल जाता है इस तरीके से, और बोट में भी आपको दो मेन्यू स्टाइल मिलते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। वैसे वापस से चलते हैं, सेटिंग मिल जाता है और यहाँ पे आपको रिंगटोन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको ये कॉल का ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्टली कॉल ऑन ऑफ करने का, राइट। ये शॉर्टकट मिल जाता है इसमें आपको बोट में नहीं मिलता, बोट में आपको डायरेक्टली कॉल का ऑप्शन मिलता है ना कि कॉल को म्यूट करने का। यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं, इस तरीके से सेटिंग मिलती है। और गाइस बोट में नीचे और मेन्यू है, ये फाइंड माय फोन और यहाँ पे ये मिल जाता है, यहाँ पे फाइंड माय फोन का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। यहाँ पे जाते हैं डिस्प्ले पे, यहाँ पे आपको इस तरीके से वेक गेस्चर ऑन ऑफ कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब का मोड मिल जाता है बोट में, और इवन यहाँ पे आपको बोट में रिंगटोन सेटिंग में ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे कॉल अलर्ट्स में जाते हो तो यहाँ पे भी आप मोड को चूज़ कर सकते हो, वाइब्रेशन पे रखना है, कॉल पे रखना है, मतलब रिंगटोन पे रखना है या वाइब्रेशन रिंगटोन दोनों रखना है। यहाँ पे रिंगटोन वॉल्यूम सेट कर सकते हो प्रॉपरली इस तरीके से, ये बहुत बेटर है बोट की वेव कनेक्ट में जो कि अदर वॉचेस नहीं देती हैं। यहाँ पे रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हो, 3-2 रिंगटोन्स मिल जाती हैं आपको। मैसेज अलर्ट टोन्स भी आप चूज़ कर सकते हो, ये आपको
अदर वॉचेस से मिलता ही नहीं है ये ऑप्शन, मेरे को इसका बहुत ही बहुत तगड़ा लगा बेसिकली। अब डी एन डी मोड मिल जाता है, रिंगटोन सेटिंग के बाद ऐप व्यू मिल जाता है। ऐप व्यू में आपको लिस्ट और ग्रिड वाला, ग्रिड आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे आपको ग्रिड वाला इसमें मिल जाता है जब आप यहाँ पे जाते हो। ये रहा, वंडर में भी आपको मिलता है, ऐसी बात नहीं है, वंडर में भी आपको 8 मेन्यू मिलते हैं जो कि बोर्ड की वेव कनेक्ट में सिर्फ 2 ही मिलते हैं। तो यहाँ पे मेन्यू में जाते हो, यहाँ पे ये रहा ग्रिड मेन्यू व्यू, राइट, और इसमें भी आपको इस तरीके से मिल जाता है, ये रहा, राइट। अब गाइस मेन्यू में आप देखो तो किसका आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है आप ज़रूर मेरे को बताना। और मेरे को हल्की सी ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही है वैसे बोट की वेव कनेक्ट की अभी भी, और वंडर की थोड़ी सी कम लग रही है। मेरे ख्याल से 100 निट्स का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा आपको, अगर आप पर्टिकुलरली देखोगे अच्छे से तो 100 निट्स का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे और चीज़ों की बात करें तो वो चेक करते हैं मेन जो ये सारे के सारे जो फंक्शन से कैसे काम करते हैं। गाइज अगर आप मेन्यू पे जाते हो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो सारी की सारी चीज़ें हेल्थ पैरामीटर्स वो सब कुछ शो कर देता है। इवन यहाँ पे दोनों में ही आपको ब्रीफ में डाटा शो करता है, और साथ में यहाँ पे कॉल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको रनिंग का मतलब जो स्पोर्ट्स मोड है वो मिल जाते हैं। एक बार मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर लूँ, एक्चुअली ज़्यादा है अब, सही है, राइट। अब गाइज यहाँ पे चलते हैं, ये रहा मेन्यू, यहाँ पे मेन्यू में चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम मेन्यू पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं बहुत सारे, देख सकते हो 60 आपको इसमें मिल जाते हैं, इसमें आपको 120 मिलते हैं स्पोर्ट्स मोड। ये रहे रनिंग, ओपन गोल, वॉकिंग गोल, एक बार हम वॉकिंग का देख लेते हैं क्या क्या शो करता है। इवन बोट में तो आपको रिंगटोन आती है, इसमें आपको नहीं आती, इसमें एक्सरसाइज ड्यूरेशन है, रियल टाइम पेस है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाता है। प्रॉपर्ली दोनों में डाटा शो करता है अच्छा खासा। यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको म्यूज़िक कंट्रोल नहीं मिलता। तो कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखा गया बोट में जो कि वेव कनेक्ट मतलब जो कि वंडर में नहीं रखा गया है, तो ये मेरे को लगा मतलब देना चाहिए था फायर बोल्ट को। अब गाइस यहाँ पे फिनिश करते हैं ट्रेनिंग, बैक चलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ये रहा ट्रेनिंग रिकॉर्ड शो करता है, और यहाँ पे आपका ये मिल जाता है प्रॉपर्ली एलेक्सा, इसमें आपको एलेक्सा नहीं मिलता, इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैसेज शो कर देता है, यहाँ पे आपको कॉल मिलाने का ऑप्शन मिलता है, डायलर वायलर ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, और यहाँ पे एचआर मिल जाता है। एचआर को ओवर टू द एयर चेक कर लेते हैं एक बार, प्लीज़ वेयर द वॉच प्रॉपरली, इसमें ही बता रहा है प्रॉपरली पहनिए। बैक करते हैं, SpO2 लेवल चेक करते हैं, ओके, ब्लड प्रेशर मैंने चेक कर दिया था, एक्चुअली समझ में नहीं आता ब्लड प्रेशर वाला ऑप्शन कौन सा है, वो वाला कौन सा है, यहाँ पे नहीं बता रहा है। ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कहाँ गया, ओके, यहाँ पे प्लीज़ वेयर द वॉच प्रॉपरली बोल रहा है। और बोट की वॉच में भी आपका डेफिनेटली नहीं बताएगा क्योंकि सेंसर ऑफ है, देख सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉपरली दोनों ओवर टू द एयर अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, और साथ में आपको वेदर अपडेट्स दिखाया जाता है। और यहाँ पे भी आपको आई गेस यहाँ पे वेदर अपडेट्स का ऑप्शन है, यस ये रहा वेदर अपडेट्स, और बैक करते हैं यहाँ पे। उसी के साथ साथ मैसेज शो कर देता है इसमें आपको, और ये आपका शटर बटन मिल जाता है। यहाँ पे कैमरा शटर ऑप्शन नहीं मिलता है बोट की वॉच में, बट ये ओवर टू द OT अपडेट ऐड कर सकती है कंपनी। टॉर्च लाइट मिल जाती है यहाँ पे भी टॉर्च लाइट मिल जाती है, यहाँ पे इस तरीके से मिल जाती है। तो और उसी के साथ साथ सेटिंग है, और यहाँ पे आपको एक बहुत यूनिक चीज़ मिलती है, एम्बिएंट नॉइज़। तो मैं आसपास आपके कितना नॉइस हो रहा है वो यहाँ पे बताता है, और ये देखो जैसे कि मैं जितना बोल रहा हूँ 66 डेसिमल इस तरीके से यहाँ पे नॉइस बताता है। तो अभी नॉर्मल है जो भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिल जाता है, और सेटिंग वापस से आ जाती है। तो यही थे सारे के सारे फंक्शंस। अब गाइस यहाँ पे कॉल मैं एक बार मिला के दिखाता हूँ किसकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी क्लैरिटी ज़्यादा है, और किस में वॉइस असिस्टेंट अच्छी तरीके से वर्क करता है। सो गाइस बेसिकली मैंने दोनों ही वॉचेस को कनेक्ट कर लिया, थोड़ा सा टाइम लगा एक्चुअली, इसीलिए यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम चलते हैं, ये रहा कॉल मेन्यू, और इसमें भी हम कॉल मेन्यू पे चलते हैं और डायल करते हैं। यहाँ पे दोनों में ही हम एक साथ डायल करेंगे, पहले इसको भी दिखा देता हूँ आपको वॉइस। वेलकम टू जियो। अब इसमें सुनो, तुम्हारा रिचार्ज प्लान खत्म हो चुकी है, तो नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे कम आवाज आ रही है बोट की वॉच में, और अगर मैं फुल करूँ ये फुल है, यस गाइस कम इतनी है, और ये रही फुल। तो बोट में डेफिनेटली कम आवाज़ आती है एज़ कम्पेयर टू आपकी
वंडर में, राइट। अब यहाँ पे एलेक्सा या वो वाला फीचर चेक कर लेते हैं, दोनों में ही वो भी ज़रूरी है। और यहाँ पे ये रहा, व्हाट इज़ द वेदर ऑफ फरीदाबाद? It's 28 and cloudy. Tonight, the forecast is around 28 degrees with thunderstorms. तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। एलेक्सा से पूछते हैं हम एक बार, What is the weather of Faridabad? Right now in Faridabad, it's 28 degrees Celsius with cloudy skies. तो थोड़ा सा कम आवाज है, देख सकते हो, बट यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। और यहाँ पे प्रॉपरली शो करता है डेटा। अब हम एक काम और करते हैं, दोबारा चेक करते हैं, कॉल 198। देखिए यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन काम नहीं करेगा मेरे ख्याल से। Calling with Alexa isn't supported on this device. You can use the Alexa app instead. तो गैस दोनों को मैं आप पहन लेता हूँ, हैंड फील देखते हैं किसका बेटर है किसका नहीं है। तो गैस दोनों ही वॉचेस को मैंने पहन लिया है। अब रेस टू वेक चेक कर लेते हैं दोनों का ही। यहाँ पे दोनों बंद हैं, 1, 2 and 3। यहाँ पे बोर्ड जीत चुकी है। अब गाइस SP2HR को चेक करते हैं बहुत जल्दी। यहाँ पे गाइस रिंगटोन आ रही है तो बार बार यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई इशू नहीं, वो आप ऑफ कर सकते हैं। वैसे यहाँ से ये रहा, D&D मोड ऑन कर दो तो ऑन वो हो जाता है। तो यहाँ पे HR को चेक करते हैं दोनों में ही। गाइज वैसे कॉम्पैक्ट आप बताओ मेरे को कौन सी लग रही है, मेरे को तो बोट की वेव कनेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रही है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप सभी से 92 शो कर रहा है वंडर में आपका, और वो मतलब आपकी बोट की वेव कनेक्ट अभी स्कैन कर रही है तो 94 याद रखिएगा। हम ओके यहाँ पे नहीं बताया इसने, तो दोबारा कर लेते हैं एक बार, प्रॉपरली क्लग नहीं थी शायद। ये कहीं डिजो की तरह इशू तो नहीं हो गया बोट की वॉच में? ये हिलाना नहीं है एक्चुअली हाथ को बिल्कुल भी। तो 91 शो कर रहा है। अब गाइस ब्लड प्रेशर है ये, तो ये रहा। अब गाइस यहाँ पे भी हम SpO2 चेक करते हैं। वहाँ पे 96 शो कर रहा है बहुत जल्दी। बोट की वेव कनेक्ट अभी भी स्कैन कर रही है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। तो 96 शो कर रहा है, दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है वैसे, और कॉम्पैक्ट मेरे को बोट की वेव कनेक्ट लगी। और अगर आपको मतलब ज़्यादा फीचर चाहिए थोड़े से तो आपको ये लेन चाहिए, बट बोट की वेव कनेक्ट में भी आपको ज़्यादा फीचर मिलता है, जैसे कि आपको इसमें वो मिल जाता है रिंगटोन करने का ऑप्शन। डिस्प्ले क्वालिटी स्लाइटली बेटर है इस वाली से, और ओवरऑल यहाँ पे ज़्यादा मैं कहूँगा बेटर आपकी बोट की वॉच ही है। बोट की वेव कनेक्ट स्ट्रेट अवे विनर है यहाँ पे, स्ट्रेट अवे हर चीज़ में विनर है। बट आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे, तो ये भी सोच के रखिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ 2500 मिल रही है और यहाँ पे आपको करीब करीब 1500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो 1500 रुपये मैटर करते हैं। और यहाँ पे वंडर जीत जाती है अगर हम बजट ब्रैकेट में देखें। तो गाइस ये था मेरे डिपडाउन कंपेरिजन, दोनों का ही बेस्ट बैलिंग में अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल कर देना। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।